सत्कर्म मानव सेवा ग्रुप ने कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर ग्रुप की 65 सदस्यों ने अपनी सेवाओं से गरीब बच्चों की खुशी को दोगुना कर दिया। ग्रुप की महिलाएं शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराने में निरंतर सक्रिय रहती हैं। इसके अलावा वे अपने जन्मदिन भी इन बच्चों के साथ मनाकर उन्हें विशेष अनुभव प्रदान करती हैं। ग्रुप की संयोजिका प्रिया जैन और सदस्य प्रियंका सानगर, उषाओम सोनी, तुलसी खत्री, हेमा रामावत, मंजू गहलोत, डिंपल जैन, जया गहलोत जैसी प्रमुख सदस्य इस सेवा कार्य में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इस प्रयास से न केवल बच्चों को खुशी मिलती है बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय परिसर स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के चारों ओर श्रावण मास में दिनांक 17 अगस्त 2024 शुक्रवार को नगर निगम उत्तर की स्वच्छता अम्बेसडर और आयुधी केयर फाउंडेशन की फाउंडर इला शर्मा, कुलपति प्रोफेसर प्रजापति, संकाय सदस्यों कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। पेड़ पौधों से प्रकृति अनेकानेक उपकार करती है। विश्वविद्यालय परिसर में सघन वृक्षारोपण के अंतर्गत आगामी दिवसों में हजारों पौधों का रोपण किया जाएगा। ये वृक्ष औषधीय उपयोगिता की दृष्टि से चिकित्सा कार्यों में उपयोग से जीवनदायक है। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा चलाए जा रहे गुणवत्ता मिशन के तहत स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान की समस्त ग्राम पंचायतों में गुणवत्ता शपथ दिलाई गई। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा कार्यालय की निदेशक एवं प्रमुख महोदया श्रीमती कनिका कालिया ने बताया कि राजस्थान राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित हुए सभी ग्रामीण लोगों को समारोह के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की गुणवत्ता शपथ ग्रहण करवाई गई, जिसमें मानकों तथा मानकीकृत उत्पादों की खरीद करने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 352 ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायतों में लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने गुणवत्ता की शपथ ली। इस मुहिम को राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग के सहयोग के साथ पूर्ण किया गया। पिछले दिनों भारतीय मानक ब्यूरो ने देश की सभी ग्राम पंचायतों में गुणवत्ता ट्रेनिंग का भी सफल आयोजन किया था। भैरवबाग तीरथ में धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य तत्वदर्शन सुरेश्वर ने कहा कि परोपकार में ही धर्म है। अपने सुख को गौण करे उसी का नाम पर पोकार है। अपना सब कुछ गौण कर दे उसी का नाम परमार्थ है। उन्होंने जीव दया के स्तर को व्यापक बनाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जीव दया में भी धर्म निहित है। अपने हृदय में इसके प्रति उत्कृष्ट भाव रखो। भाव में छेद एवं भेद मत करो। तीरथ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि दिव्य तपस्वी आचार्य हसरत्न सुरेश्वर की पावन निश्रा में आचार्य तत्वदर्शन सुरेश्वर का विशेष प्रवचन रेन बेलेंस 18 अगस्त को दिग्विजय नगर में होगा। श्रावण मास के उपलक्ष्य में खारगा रणधीर रोड आदित्य द्वारिकाधीश कॉलोनी स्थित श्री आदित्येश्वर महादेव मंदिर में UPL परिवार की ओर से शुक्रवार को सावन महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम संयोजक योगिता शर्मा व UPL परिवार के पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बताया कि महोत्सव के दौरान गायिका मंजू गागा एंड पार्टी द्वारा सावन से ओतप्रोत झूला झूले रे सांवरियो आ गई सावन की रमझोल आदि भक्ति गीतों की संगीतमय व मनमोहक प्रस्तुति पर लहरिया पोशाक में सजी धजी महिलाएं रिमझिम बारिश की बौछारों के बीच झूमती हुई सावन की मस्ती में सराबोर नजर आई। मामेश्वर महादेव मंदिर केरली धाम लूनावास खारा रोड झमवर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के सातवें दिन कथा व्यास संत सियाराम ने कहा कि मनुष्य को धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जो लोग अब भगवान के भजन नहीं करते हैं उनको बुढ़ापे में जाकर कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान का इस पृथ्वी पर आने का केवल एकमात्र उद्देश्य है धर्म की रक्षा। भगवान धरती पर केवल धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। ऐसा कहते हैं जब किसी साधु का वध होता है इसका मतलब है कि संस्कृति का वध होता है। मानव की जड़ होती है धर्म, इसलिए मनुष्य को धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सत्संग से मनुष्य को सत्य और असत्य का बोध होता है।
जैसे मनुष्य के लिए जीवन जरूरी है, वैसे ही उस जीवन के लिए सत्संग का होना बहुत जरूरी है। भागवत सुनने से मनुष्य को मनचाहा फल प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य को कथा पूरे 7 दिन तक सुननी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।